मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक मनोहर ऊंटवाला का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें कुछ दिनों पहले ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया था। उनका गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। उनके निधन पर एमपी के सीएम कमलनाथ ने शोक संवेदना भी प्रकट की है। एक पार्षद के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले ऊंटवाल विधायक के अलावा लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। एमपी के सीएम कमलनाथ ने एमएलए मनोहर ऊंटवाल के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। सीएम ने अपने ट्विटर पर लिखा, प्रदेश के आगर के विधायक मनोहर ऊंटवाला के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और पीछे परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वे ऊंटवाल के करीबी रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया, श्री मनोहर ऊंटवाल जी मेरे व्यक्तिगत मित्र थे, भाई थे, निकट सहयोगी थे। बीजेपी ने अपने प्रिय कार्यकर्ता को खोया है और मैंने अपने व्यक्तिगत मित्र को। भगवान उनके परिवार को यह सहाय वेदना सहने की शक्ति दे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। बहरहाल जानकारी के लिए बता दें, मनोहर ऊंटवाल का निधन बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके निधन के साथ ही बीजेपी विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश विधानसभा में 107 हो गई है। मनोहर ऊंटवाल के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करीबी रिश्ते थे। मध्य प्रदेश के राजनीति में उनकी गिनती कद्दावर नेता के तौर पर होती थी।